हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जागृति आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे, वो भी वुडन बेस पे, एकदम इजी तरीके से, स्पेशली बच्चों और बिगनर के लिए। ये हमारा वुडन बेस है जिस पे हमने व्हाइट एक्रेलिक कलर से बेस कलर किया है। इसके लिए हमको चाहिए मार्कर, रूलर, इरेजर, पेंसिल, थोड़ा पानी, ब्रशेस और कुछ एक्रेलिक कलर और कोन कलर, अगर आपको कोन 3D कोन का यूज करना है तो कोन भी। सबसे पहले रूलर से हम लोग बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से, हाफ हाफ इंच की जगह छोड़ के जितना चौड़ा हमारा रूलर है उतना ही चौड़ा हम बॉर्डर बना रहे हैं। चारों तरफ से बॉर्डर बनाने के बाद आगे हम लोग इसमें डिजाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारा बॉर्डर बन गया है। अब इस कॉर्नर पे हम इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब एक एक इंच की दूरी पे हम इस पे पॉइंट बनाएंगे, एक साइड एक इंच, फिर दूसरी साइड में। अगर फर्स्ट पे हमने लेफ्ट में बनाया है तो 2 नंबर पे हम लोग राइट में बनाएंगे। इस तरह से हम निशान बनाते जाएंगे। चारों तरफ इस तरह से निशान बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से निशान बना लिया। अब रूलर के थ्रू हम इस तरह से हर पॉइंट को मिलाते जाएंगे और इस तरह से बहुत इजी तरीके से हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। आप देखिए कितने आराम से बॉर्डर बन गया। अब हम अपने पूरे जो वुडन बेस है उसकी लंबाई नाप लेंगे और उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हमारा वुडन बेस 14 इंच का है तो हम 7 इंच पे एक लाइन खींच के और उस पे पिकॉक ड्रॉ कर रहे हैं। पिकॉक ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक 2 बनाइए, 2 को लंबा खींचते हुए हम लोग उस पे ऐसे सर्कल बनाएंगे और एकदम फ्री हैंड हम पिकॉक ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से पिकॉक ड्रॉ हो रहा है। आप भी इस तरह से एकदम आराम से डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे भी मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन ज्यादातर फ्री हैंड ही बनाई जाती है। इसमें अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम रियल पिकॉक जैसा लुक नहीं आता है, किसी भी चीज का रियल लुक नहीं आता है। जिस तरह से हमने इधर एक साइड पिकॉक ड्रॉ किया, सेम उसी तरीके से दूसरे साइड भी पिकॉक ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले 2 बनाइए और उसको नीचे के लाइन को लंबा खींचिए और ऊपर से हाफ सर्कल देते हुए उसका डिजाइन बनाइए। जहां आपका गलत हो जाए, क्योंकि आप पेंसिल का यूज कर रहे हैं, तो उसको इरेज करके फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डिजाइन तैयार है, आउटलाइन बनके तैयार है। अब हम उसके ऊपर मार्कर चलाएंगे, बिकॉज पेंसिल की जो कलर होता है वो निकलता रहता है और हमारा बेस गंदा हो जाएगा, इसलिए मार्कर सारे आउटलाइन के ऊपर मार्कर चला के अब पेंसिल का जो वर्क है उसको इरेज कर देंगे, क्योंकि पेंसिल का वर्क रहेगा तो वो कलर में मिलके कलर का जो रियल कलर का कलर होगा उसको चेंज कर देगा। अब हम लोग डबल लाइन करेंगे। मधुबनी पेंटिंग की खास बात उसकी डबल लाइन होती है और उसके डार्क कलर्स होते हैं। मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादातर डार्क कलर यूज होते हैं। इस तरह से डबल लाइन करते हुए हम अंदर की डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइंस होते हैं, इसमें कोई बहुत टफ नहीं होते, आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम एकदम फ्री हैंड डिजाइन को ड्रॉ कर रहे हैं।
मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है, बिहार की फेमस पेंटिंग है। ये पहले दीवालों पे बनाई जाती थी, लेकिन बाद में इसको लोग अलग अलग वेस पे बनाने लगे। ज़्यादातर मधुबनी पेंटिंग जो है हैंडमेड सीट पे बनती है, लेकिन आज हम इसको वुडन वेस पे भी बना रहे हैं और लोग अब हर तरह के बेस पे मधुबनी पेंटिंग बनाने लगे हैं। इस तरह से दोनों पिकॉक की डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई। अब हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने येलो कलर लिया है और येलो कलर हम उसके फेस में, पिकॉक के फेस में फील कर रहे हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ हमको येलो कलर फील करना है, हम सबसे पहले उस कलर को फील कर लेंगे। सिंपल पतला ब्रश लीजिए और आराम से फील करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मधुबनी पेंटिंग में हमेशा चटक रंगों का यूज किया जाता है, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इन्हीं सब रंगों का ज्यादा यूज होता है। हम भी उन्हीं रंगों का यूज करके ये पेंटिंग बनाएंगे। आप देख सकते हैं अब मैंने रेड कलर लिया है। अब जहां जहां हमको रेड कलर फील करना है उसको हम फील कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले से ही कलर कहाँ पे किस कलर को फील करना है इसके लिए हल्का हल्का निशान लगा सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पे ये कलर फील करना है। उसके बाद आराम से कलर फील करते जाइए। आप देख सकते हैं हमने ऐसे इसमें रेड कलर फील कर लिया है। अब हम ग्रीन कलर फील करेंगे। अगर थोड़ा बहुत आपका कलर बाहर निकल जाता है तो परेशान मत होइए, बाद में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। उसका भी हम तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप उसको फाइनल टच दे सकते हैं। इसके लिए हमेशा बारीक ब्रश का यूज कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे हमको कलर फील करना रहता है। अब हम ब्लू कलर का यूज करेंगे और इस तरह से ब्लू कलर धीरे धीरे फील करेंगे। कलर को फील करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो कलर अभी सूखे नहीं है उनके ऊपर आप हाथ ना रखें, वरना आपका ड्राइंग एकदम खराब हो जाएगा, कलर फैल जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कलर सूख जाए, ड्राई हो जाए, तभी उसको हाथ से टच करें या फिर उसके ऊपर हाथ रखें।
मधुबनी पेंटिंग बहुत ही इजी पेंटिंग है, इसे कोई भी बहुत आराम से बना सकता है। स्पेशली बिगनर और बच्चे तो बहुत मन से इसको बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो डिज़ाइन होती है वो एकदम परफेक्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें हम डिज़ाइन को जो है किसी भी तरीके से हल्का सा उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसलिए ये डिज़ाइन बहुत जो है बनाना आसान होता है। आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग में किसी भी चीज़ की डिज़ाइन एकदम परफेक्ट नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो एकदम रियल लुक आए, इसलिए ये हमारे लिए इजी होता है बनाना। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, मधुबनी पेंटिंग स्पेशली दो तीन बातें ही ध्यान रखनी होती हैं कि इसमें जो है हमको हर जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें डबल लाइन करना चाहिए, और दूसरी बात कि चटक रंगों का यूज़ करना चाहिए। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रख के मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे तो आपकी पेंटिंग ज़रूर अच्छी बनेगी। अब हम लाइट ब्लू कलर लिए हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमारा पीकॉक का कलर तैयार हो गया, अब खाली पैर में कलर फिल करना बाकी है और ऊपर। पैर में हम ब्राउन कलर फील कर रहे हैं। अब हम लोग इसकी आई बनाएंगे। आई हम 3D कोन से बनाएंगे, हमारे कोन से कलर निकल नहीं रहा है, इसके लिए हम नीडल से उसको क्लीन किए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद कौन से हम इसकी आई बनाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा पीकॉक भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा पीकॉक भी तैयार हो गया। अब हम पर्ल का व्हाइट कलर जो आता है सिल्वर कलर उसको लिए हैं, और जो हमने डबल लाइनिंग किया है तो डबल लाइनिंग के बीच की जो वाइट जगह है उस पर हम इसको फील कर रहे हैं। जैसे अगर आपका कलर थोड़ा बहुत कहीं निकला भी है ऊपर नीचे हुआ है तो वो कब जो है ढक जाएगा। इस कलर से हम जितना भी हमारा डबल लाइनिंग वाला एरिया है उसको फील करेंगे, तो अगर आपका कलर थोड़ा बहुत बाहर भी निकला है तो वो ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम इसी से पूरा जो डबल लाइनिंग का वाइट एरिया है उसको कलर कर रहे हैं। ये देखिए इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी आएगी तो अच्छा लग रहा है। अब इसी पर के वाइट कलर से हम बैकग्राउंड भी कलर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड जो है वाइट ही रखना है। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब ब्लैक मार्कर से हम फिर से आउटलाइन देके फाइनल लुक देंगे। ब्लैक मार्कर से आप अच्छे से जो है आउटलाइन बना सकते हैं। वैसे तो इस पे वाटर कलर का एक्रेलिक कलर से करते हैं ब्रश से, लेकिन चूंकि हम बिगनर और बच्चों के लिए बता रहे हैं तो ब्लैक
परमानेंट मार्कर से आउटलाइन बनाना उनके लिए इजी होगा, इसलिए यहाँ पे हम ब्लैक परमानेंट मार्कर का यूज कर रहे हैं आउटलाइनिंग के लिए। इस तरह से बाद में आउटलाइन करने से हमारा जो पेंटिंग है वो जो थोड़े बहुत कलर आपके बाहर निकले भी होंगे वो फाइनली कवर हो जाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो इसी से लाइनिंग भी दे सकते हैं, डिजाइन भी बना सकते हैं ब्लैक मार्कर से ही। हम थोड़ी जगह पे बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए मैंने ब्लैक मार्कर से ही लाइनिंग खींच के उसमें डिजाइन दे दी। अब हम लोग बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर के लिए पहले हमने ब्राउन कलर यूज किया है चारों कोने पे, कॉर्नर पे, और इस तरह से अब हम ब्लू कलर का यूज कर रहे हैं। अभी हमने पेंटिंग में जो भी कलर यूज किए हैं उन कलर को लेके बॉर्डर बना रहे हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह से एक एक कलर का यूज करते जाएंगे और बॉर्डर को तैयार करते जाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड का भी बॉर्डर बना लेंगे। और येलो के बाद हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, लाइट ब्लू, और ग्रीन। इसी तरह से इसके सामने के साइड का जो बॉर्डर है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर इतना तैयार हो चुका है। अब हम ब्लैक पर्ल कलर से बॉर्डर को आउटलाइन करते जाएंगे और जो बचा हुआ एरिया है उसमें लाइनिंग करते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन करते जाएंगे। इससे हमारा बॉर्डर बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप देखिएगा फाइनली बनने के बाद बॉर्डर का लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। हम ब्रश से ही आउटलाइन भी करते जा रहे हैं और बॉर्डर भी तैयार करते जा रहे हैं। अगर आपको बस ब्रश से प्रॉब्लम हो तो आप मार्कर से भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फाइनली लुक कैसा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।